सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं ATI Pro का D800 हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर को। तो दोस्तों, ये है ATI Pro D800 हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर। ये वाला जो हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर है, ये फेराइट मैग्नेट में आता है। ये एक 110 वाट का हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसका जो थ्रेड का साइज है वो 2 इंच है। माउंटिंग टाइप इसका बोल्ट ऑन है और नॉमिनल इंपेडेंस इसका 8 ओम्स है। मैक्सिमम पावर 220 वाट है और इसका जो RMS पावर है वो है 110 वाट। सेंसिटिविटी इसका 106 dB है और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 0.7 किलोहर्ट्ज से लेके 19 किलोहर्ट्ज तक है, मतलब 700 हर्ट्ज से लेके 19 किलोहर्ट्ज तक है। और यहाँ पर रिकमेंडेड क्रॉसओवर लिखा हुआ है 2 किलोहर्ट्ज। वॉइस कॉल डायमीटर इसका 3 इंच है। वॉइस कॉल मटेरियल ALR है और यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी वगैरह लिखा हुआ है, मैग्नेट टाइप, डायफ्राम मटेरियल भी लिखा हुआ है ब्लू टाइटेनियम। तो चलिए हम इसका पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं ये वाला HF हमें किस तरह का मिलता है। तो हमने इसका पैकेट को खोल दिया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है इसका नट बोल्ट वगैरह, और यहाँ पे एक रेंच भी आपको देखने में मिल जाता है जिससे कि आप इसको टाइट करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे थर्मोकोल से अच्छे से इसको पैक किया गया है। और उसके नीचे है हमारा मेन यूनिट जो कि हमारा मेन हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर या फिर HF। तो इस पैकेट को रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं हमें ये हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर किस तरह का मिलता है। ये वाला जो हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर है आप यूज कर सकते हैं अपने टॉप में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको एक लाइनरे कैबिनेट में फिट करके चला के देखने वाले हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है ये 700 हर्ट्ज से लेके 19 किलोहर्ट्ज तक का रिस्पांस कर सकता है। तो आमतौर से जो लाइनरे के HF होते हैं वो 600 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक का रिस्पांस करते हैं। तो अगर ये सही में उतना फ्रिक्वेंसी से रिस्पांस कर पाया तो आप इसको अपने लाइनरे में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बैक साइड का प्लेट है ये हीट सिंक के जैसा बनाया गया है और इससे आपका काफी हीट टेम्परेचर कम होने वाली है। और यहाँ पे इसका जो वायर कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दिए गए हैं उसका क्वालिटी अच्छा रखा गया है। और यहाँ पे 88 प्रो मॉडल नंबर और यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर 220 वाट लिखा हुआ है और इम्पीडेंस 8 ओम्स है। इसका जो हीटसिंक का मॉडल में जो ये बैक प्लेट जिसके अंदर आपका डायफ्राम फिट होता है वो रखा गया है, जिससे कि डायफ्राम जब भी हीट होगा वो काफी हद तक ये वाला हीटसिंक उसको खींच लेगा। ये एल्यूमिनियम से भी बनाया गया है। तो इसका फ्रंट साइड से भी हम इसको एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे अच्छा एक स्पॉन्ज देखने को मिल रहा है और ये अच्छे से फिट हो पाएगा हमारे फ्लायर के साथ। और इसका जो मैग्नेट का साइज है ये काफी बड़ा रखा गया है ताकि ये बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर पाए, और इसका मैग्नेट का जो थिकनेस है ये भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसको चलिए हम एक बार कैबिनेट में फिट कर लेते हैं और देख लेते हैं ये हमें किस तरह का रिस्पांस दे देता है। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है फ्लायर, इस फ्लायर के साथ हम इस HF को फिट करने वाले हैं और इस कैबिनेट में हम यूज करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 10 इंच के 300 वाट के न्यूडिमियम स्पीकर यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको पहले हम फ्लायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने नट बोल्ट वगैरह फिट कर लिया है और इसके साथ हम टायर को अटैच कर देते हैं। तो चलिए हम इसमें दूसरा स्पीकर लगा लेते हैं और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं ये हमें किस तरह का रिस्पांस दे देता है।
तो दोस्तों हमने इसका अनबॉक्सिंग किया, रिव्यू किया और इसका टेस्टिंग भी किया। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा सुनने को मिला। आप इसको अपने टॉप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और दोस्तों अगर आपने हमारा प्रो ऑडियो बाजार फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।